डीबीएस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरिंदा विधानसभा में आप यहाँ पे जनता के किस मुद्दे पे वोट जाके जनता के बीच जाएंगी? मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ की शिक्षा के लिए और यहाँ की चिकित्सा की चिंता करते हुए, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए, मजदूरों की मजदूरी के लिए और यहाँ पे शिक्षा के लिए बस। और फरिंदा में क्या विकास कार्य अधूरा रह गया है, अपने जीतने के बाद उसको अब पूर्ण करेंगे? विकास कार्य सारे अधूरे हैं। जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है 21 सालों से चीनी मिल का, यदि हमारी सरकार आती है तो यहाँ पे निश्चित तौर पे चीनी मिल खुलेगी, और यदि चीनी मिल नहीं खुल सकती होगी या उनके तो वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज डालने का भी मैं असेंबली में लेके जाऊँगी। और यहाँ पे जो पिछली सरकार अभी है योगी सरकार में जो महंगाई है उस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए महंगाई तो जाहिर सी बात है, देखिए आम आदमी के लिए महंगाई बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जो सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं इनके लिए क्या है, ये तो लूट के खाए हैं, इनका तो सब चल जाएगा। लेकिन हमारा जो किसान देश है वो तो इन लोगों पे ही डिपेंड है कि महंगाई कम हो जाए। नमस्कार, डीबीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम महाराजगंज जिला के विधानसभा फरिंदा 315 में पहुंच चुके हैं। यहां पर मतदाताओं से जानेंगे इस बार किसकी सरकार बनाने की उनकी लालसा है। और हमारे बीच एक अंकल जी हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है? शेषराम। यहीं के निवासी हैं? इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? अरे भाई अब तो देखिए बात अलग अलग है ना, तो अब सरकार तो बनाना इनको तो नहीं चाहिए क्योंकि काला काम गड़बड़ ही कहीं कर दिए हैं, तो अब बनाना सरकार कांग्रेस का है चाहिए। भाजपा के जो विधायक है काम सही नहीं किए हैं? नहीं किए। इस बार किसको विधायक के रूप में चुनना चाह रहे हैं? यहाँ तो भाई अब कांग्रेस को हम लोग चुने। कांग्रेस यहाँ तो पाँच बार से हारती जा रही है, क्यों अपना गवर्नमेंट यहाँ पे फरिंदा नहीं बना पा रही है? नहीं बना पाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी कहीं, उसको यहाँ का लोकल आदमी है। ठीक है, क्या नाम है भैया? वीरेंद्र पांडे। इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? हम लोग योगी की सरकार बनाना चाहते हैं। किस मुद्दे पर? सर विकास के मुद्दे पे और किस बात? आपका क्या नाम है? मुरली मनोहर मिश्रा। इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? हम तो इस साल फिर इस पंचवर्षीय योजना में फिर भाजपा की सरकार चाहते हैं। विधायक जी के 5 साल कार्यकाल में उनके जो 5 साल के किए गए कार्यों के संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से तो फिलहाल उतना संतुष्ट नहीं, मगर हम योगी जी और मोदी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश के लिए योगी जी ने जो कुछ किया वो अविस्मरणीय है, भूला नहीं जा सकता है। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देना चाह रहे हैं? फिलहाल विधायक जी को 10 में से तो 8 नंबर दे ही देंगे, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया है ठीक है, उसको हम बहुत ठीक नहीं कहेंगे मगर ठीक है नहीं है, मगर हमारे जो विधायक बनने के लिए वीरेंद्र चौधरी जी आज तत्पर है, उनमें वह गुण नहीं है कि जो एक नेता में होता है, क्योंकि वह आज तक किसी के साथ 10 कदम चलने के लिए बाजार में नहीं आए, गाड़ी में बैठ के आएंगे, जिस जगह पर उनको जाना है जाएंगे और फिर अपना चले जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी की आवश्यकताओं से उनको नहीं मतलब है। यहाँ पे जैसे समाजवादी के बाहर से बता रहे हैं प्रत्याशी आके शंखलाल मांझी जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं फरिंदा से, यहाँ पे सपा के प्रत्याशी उम्मीदवार कोई यहाँ पे निकल नहीं पाया, क्या कारण था? ये तो अखिलेश जी की गलत सोच, उनको एक उड़न तस्तरी ले आके यहाँ बैठा दिए, उड़न तस्तरी आ गई कि साहब चुनाव आप लड़ लें, यहाँ पे इतने अच्छे राम प्रकाश जी थे, क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया, विनोद तिवारी थे, क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया, क्या जरूरी था कि शंखलाल मांझी को कहीं से उठा के लावें? यहाँ उनके निगाह में कोई नेता था ही नहीं। यहाँ पे सपा का ग्राफ गिरने का वजह मात्र अखिलेश हैं।
यहाँ पे 12 लोग की उम्मीदवारी होड़ तोड़ में लगी थी, इस वजह से लगता है किसी को टिकट नहीं मिली, कट गया और बाहरी उठा के ला के यहाँ पे दे ये दिया। ये तो कोई सोच नहीं थी उनकी, 12 लोग थे तो 12 लोग में उनको किसी को एक तो देना चाहिए था, नहीं कुछ था, 12 को बैठा करके लॉटरी निकाल लिए होते, कोई जरूरी था कि शंखलाल मांझी है यहाँ से चुनाव लड़े? अरे एक बार यहाँ पे अशफाक जी MP हुए थे गोरखपुर के, और वो पूरे 5 के कार्यकाल में 3 आए थे इस बाजार में, वो भी मछली खरीदने। आज भी यही काम होगा शंखलाल मांझी के द्वारा भी। शंखलाल मांझी यहाँ के विधानसभा के जमीनी स्तर के नेता नहीं है, यहाँ पे अगर वो उनकी सरकार बनती है तो वो कैसे विकास कर पाएंगे यहाँ को? सवाल नहीं उठता है यहाँ आने का, विकास की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए, विकास की बात एकदम छोड़ दीजिए, वो कभी आएंगे तो अपने कार्य से आएंगे, यहाँ के जनता से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ की समस्या से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। कांग्रेस 30 से कांग्रेस यहाँ गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, कांग्रेस पहले से ही कुछ किया है और कांग्रेस का ही नकल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कमी रह जाती है 30 से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही है कांग्रेस? अरे भाई अब न बना पावे उसकी बात अलग है, लेकिन हम लोगों का मनसा कांग्रेस ही का। वर्तमान विधायक अब इसी विधानसभा के नमस्कार, DBS न्यूज में आपका स्वागत है। हम महाराजगंज जिला के फरेंदा 315 विधानसभा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चाय की दुकान पे हैं, यहाँ पे कुछ मतदाता हैं जिसे पूछेंगे यहाँ पे किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभम जायसवाल है, मैं DBS न्यूज चैनल के को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ किसकी सरकार जी? यहाँ पूर्ण रूप से बजरंग बहादुर सिंह 1,00,000 मतों से जीतते हुए नजर आ रहा, प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के। किस मुद्दे पर सरकार बनाएंगे? मुद्दे तो कुछ रह नहीं गए हैं, जैसे देखिए अभी 370 था, राम मंदिर था, अभी नेशनल हाईवे प्राधिकरण मंत्रालय ने जारी करके 1,36,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करने का काम किया है, और बहुत सारी ऐसे जन विकास के मुद्दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए, उत्थान के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों वंचितों के लिए, सारों के लिए काम करने के काम किया है। विधायक जी को 10 में कितना नंबर देना चाह रहे हैं? विधायक जी को 10 में 10 नंबर, क्योंकि हमारे श्यामनारायण बाबा जी 5 के विधायक फरंदा विधानसभा से रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कार्य करने का कार्य नहीं किया, लेकिन विधायक जी 3 विधानसभा का चुनाव लड़े, 1 इनकी सरकार के साथ इन्होंने विधानसभा में जाने का काम किया, उसके साथ इन्होंने सरकारी मिनी स्टेडियम लाने का काम किया, और यहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में ITI कॉलेज है, गवर्नमेंट ITI कॉलेज लाने का काम किया रनियापुर में, अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा बजरंग बहादुर सिंह जी का। विधायक जी के ऊपर 2015 में इनकी विधायकी चली जाती है, तो कौन सा मुद्दा की वजह से इनकी विधायकी चली जाती है? सही है, आपका कहना सही है, मुद्दा तो कोई नहीं रहा, क्योंकि इसमें दो ठेकेदार भी थे और विधायक दो। हम आपको बता दें यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2015 में, 2012 के बाद 2012 में यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, 2015 में बजरंग बहादुर सिंह पे ठेके लेने के आरोप समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र के तहत लगाया जाता है, और उसके सरकार होने के बाद उनको निरस्त किया जाता है, और यहाँ उपचुनाव हुआ जिसमें विनोद मणि जी जीते, लेकिन यह गलत था, यह उसमें कोई सत्यता नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी को पूर्ण रूप से षड्यंत्रों के तहत फंसाया गया था। यह आपका क्या नाम है? सिकंदर नाम है। अब किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? बजरंगी सिंह का। किस मुद्दे पर बनाएंगे? उनकी कौन सी योजनाएं पसंद आई, उनके कौन से कार्य पसंद आए? हमारे यहाँ सड़क गांव का
हमारे द्वार तकले पक्के बना दिए, रोड बनवा दिए हैं। उनको 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरा उनका रहेगा। चाचा इधर आवा, तन सुन ले, इस बार के का सरकार बनेबा, एक बार सुन ले, के का सरकार बनेबा। जेकर कहा ना हम नहीं, तू तो लोकतंत्र में आजाद बटा, तू सरकार तो हम पास पब्लिक बनाई ना, मतदाता अपने है। हमारे यहाँ तो बाबू हवा थाली भरी भोजन, थाली भरी भोजन। तू नहीं होता ना विधानसभा से, ठीक है। आप चाचा क्या नाम है? हम लोग सदस्य हैं, आज नहीं है। किस विधानसभा से? महाराजगंज से। महाराजगंज में किसका इस समय चल रहा है अभी माहौल? कहा नहीं जा सकता, ठीक है। ये महाराजगंज सदर विधानसभा से चाचा थे। हाँ भैया इधर आइए। इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? इस बार फिर मोदी जी की सरकार बनाना चाह रहे, इसे मान लीजिए भाजपा की। किस मुद्दे पे भाजपा की सरकार बनाना चाह रहे हैं? इसमें विधानसभा में किसको यहाँ से फरिंदा से भेजना चाह रहे हैं? विधानसभा फरिंदा माननीय बजरंगी सिंह को। इनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? जी। इनको 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 से 10। ये वर्तमान विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक जो 5 साल के कार्य योजना चलाए हैं। स्वागत है, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार चौरसिया। आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? बसपा को। किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं? पिछले साल हम लोग 2 पटीदार हैं, 5 एकड़ गेहूँ जंगली जानवर चर लिए थे छुट्टा पास, उसमें हम विधायक और सांसद माननीय से 5 किलो गेहूँ मांगे थे, उसको उसके लिए इन लोगों ने कहा हम जेल भेजवा देंगे, गेहूँ नहीं देंगे। तो हमने कहा हम आप लोगों को उखाड़ के फेंक भी देंगे। तो 2022 में हम लोग बसपा के साथ हैं और भाजपा को फेंकने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।